रवि चढ़ गए राम, सज रवि चढ़ गए मतनी संग में दूध बिगड़ गयो, पुराने जमाने में मथनी होता था जिसको रस्सी में लगा के हमारी माताएं दूध को मथ के दही को मथ के मक्खन निकालती थी। कबीर दास जी क्या कहते हैं जरा देखा जाए। मथनी संग में दूध बिगड़ गयो, मथनी संग में दूध बिगड़ गयो, मथनी संग में दूध बिगड़ गयो, बिगड़ बिगड़ के माखन हो गयो। कभी रवि चढ़ गयो राम, कभी रवि चढ़ गयो मथनी संग में, यानी कि मथनी के संपर्क में जैसे दूध आया दूध बिगड़ गया। वो दूध जो 40 रुपये किलो का है और बिगड़ के 400 रुपये किलो का मक्खन बन गया। बिगड़ना तो कैसा बिगड़ना जरा देखा जाए। दूसरा उदाहरण देते हैं हमारे गुरु जी। पारस संग में लोहा बिगड़ गयो, पारस एक पत्थर होता है जिसके संपर्क में लोहा आता है और लोहा सोना बन जाता है। पारस लोहे में सटा नहीं कि ये स्टैंड के माइक का स्टैंड सोना बन जाए। आज 20 रुपये किलो का लोहा पारस में सटते ही बिगड़ गया। बिगड़ा कि नहीं भैया? बिगड़ गया ना, लेकिन बिगड़ के अपना कीमत बना लिया 20 लाख रुपये किलो से भी ज्यादा, है ना। तो हमारे गुरु जी कहते हैं पारस संग में लोहा बिगड़ गयो, पारस संग में लोहा बिगड़ गयो, पारस संग में लोहा बिगड़ गयो, बिगड़ बिगड़ के सोना हो गयो। कबीरा बिगड़ और अंत में कबीर दास जी कहते हैं सत्संगत में कबीर बिगड़ गयो, सत्संगत में कबीर बिगड़ गयो, सत्संगत में कबीर बिगड़ गयो, बिगड़ बिगड़ के साधु हो गयो। कबीर बिगड़ गयो कबीरा बिगड़ गयो, कबीरा बिगड़ गयो, कबीरा बिगड़ गयो।